स्टिचिंग का लेवल, वॉशिंग का लेवल, जो okay. कुछ ना कुछ हम क्रिएटिविटी ज्यादा डालते हैं। 100% कॉटन लाफर बेज पर है okay. इसके फैब्रिक जो रहेगा वो 100% कॉटन प्लस हेवी फैब्रिक रहने वाला है। क्वालिटी मिलेगी, स्टिचिंग की क्वालिटी या उसका जो भी फिनिशिंग रहेगा वो आपको एकदम लाजवाब मिलने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको हर एक प्रोडक्ट का, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट का, यही से आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। 28 से 34, 30 से 36 ओके दो टाइप का रेशियो आपको मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आपका डेड स्टॉक मिनिमम होगा। ये 100% सल्फर बेज पर है, स्लब है, फैब्रिक में स्लब है, एम्ब्रॉयडरी है, फ्लोरोसेंट टचअप दिया हुआ है। बैक साइड हो या फ्रंट साइड हो, हर एक में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालते हैं। आप मेजर भी लगा सकते हैं एनी टाइम, और आपको जो भी फर्मा इसका रहेगा वो भी प्रॉपर रहेगा। इसकी कितनी जो लेंथ है वो भी प्रॉपर मेंशन होगी, उसकी साइज भी प्रॉपर मेंशन होगी। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे टैग में मेंशन नहीं किया। एंकल में 39 बनाते हैं ओके, उसके अलावा रेगुलर में 40, 41 लेंथ भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जींस हो चाहे कॉटन ट्राउजर, शर्ट और टी शर्ट, 50 पीस की मिनिमम क्वांटिटी रहेगी। हमने रो वॉश का एक कॉन्सेप्ट बनाया है, आप okay. दिखा सकते हैं, पूरा ब्रांड टेस्ट लगता है। पिक एंड चूज कलर चार्ट है, कलर में आपको 5 कलर है तो एक कलर ले लीजिए। नियर बाय दिल्ली है या यूपी से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से है, या कोई नेपाल के भी हमारे काफी कस्टमर है, हरियाणा है, पंजाब है, कुछ राजस्थान का एरिया, तो वही से भी आप डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नजदीक पड़ता है तो अहमदाबाद आओ, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आपको पुणे और बिलासपुर से भी मिल जाएगा, सेम रेट में मिलने वाला है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। काफी अच्छा, ये बेल्ट पे अच्छा कॉन्सेप्ट दिया ये वाला, और पूरी डिटेलिंग में सब जगह फायरॉक्स की ब्रांडिंग है। मैं थोड़ा हमने व्हाइट कलर का इस टाइप का, ये थोड़ा फैंसी मीन्स के माइनर फैंसी दिया हुआ है। यहाँ पे बेल्ट में थोड़ा फ्लोरोसेंट टचअप का, ये धागा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जो रेगुलर कस्टमर है उसको मालूम ही है कि आप कभी भी कॉल करेंगे तो सुबह में 10 बजे के बाद आपको कॉल बैक आ जाएगा। आरएफडी मतलब उसमें कलर वॉशिंग का काम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और ये भी 100% आपको गारंटी। जैकेट में क्या होता है कि उसके अंदर ही क्या है कि पूरा जो यान है तो उसके अंदर ही डिजाइनिंग बन जाती है। 38 से लेके 44 साटिन भी है, ट्विल भी है, तो आपको इनसाइड से भी पूरा पाइपिंग वाला काम मिलने वाला है ओके। मींस के हम लोकल तो बनाते ही नहीं। 42 लेंथ रहती है क्योंकि एक ट्राउजर्स है, यंगस्टर की चॉइस रहती है कि जो शर्ट है वो भी थोड़ा वो स्ट्राइप खड़ी okay. स्ट्राइप होती है और उसके साथ ये मैच करते हैं। एक आपको कोई भी ऐसा कलर नहीं है कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। शर्ट्स की तो वैरायटीज की क्या बात करें, मोर देन 500 सैंपल्स टू 1000 सैंपल्स रहते हैं। प्लस जींस का ये कलेक्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाता है, मतलब पूरी की पूरी ऑफिस में पूरा का पूरा शर्ट्स का कलेक्शन अवेलेबल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनीर और आप देख रहे हैं मुनीर व्लॉग। सो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अहमदाबाद के 100% रियल जेन्युइन एंड ट्रस्टेड शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स एंड कॉटन ट्राउजर्स के मैन्युफैक्चरर के पास। दोस्तों आज हम है श्री एंटरप्राइज फायरॉक्स में। सर अपने साथ में, सर आपका वेलकम है हमारे व्लॉग्स में। थैंक यू। तो सर, जो अपने नए व्यूअर्स है उनको आपके बारे में और आपके फर्म के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ना। माय नेम इज अमित सावलिया एंड हमारी कंपनी का नाम है श्री एंटरप्राइज। उसके अंडर में हमारी ब्रांड है फायरॉक्स एंड डॉपर, और फायरॉक्स के अंडर में आप देख सकते हैं यहाँ से कॉटन ट्राउजर है, उसके अलावा डेनिम जीन्स है, कैजुअल शर्ट है, टी शर्ट है, तो इस टाइप की पूरी क्वालिटी वाइज जो भी प्रोडक्ट्स है वो हमारा खुद का इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको जो भी इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको हर एक प्रोडक्ट का, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट का, यही से आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर, अगर किसी को अगर आपकी ऑफिस पर विजिट करना हो तो एक बार आप एड्रेस क्लियर कर दीजिए। अच्छा, हमारी ऑफिस है जो हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद है, उसके अलावा हमारी ब्रांच ऑफिस है वो दिल्ली टैंक रोड में भी है, उसके अलावा आपको बिलासपुर में भी है और पुणे में भी है। तो नियर बाय कोई भी आपको जो भी जगह लगती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक विजिटिंग कार्ड इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो पूरा रेट के साथ आपको कैटलॉग भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको नियर बाय कोई ब्रांच की आपको विजिट करनी है तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। हेड ऑफिस की बात करूँ तो कालूपुर रेलवे स्टेशन से बाय ऑटो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। कभी भी आप कालूपुर आओ तो एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करेंगे तो वहीं से आपको पिकअप करवा लेंगे। और हमारा जो ऑफिस का टाइम रहता है सुबह में 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक रहता है। एनी टाइम कॉल करो तो पूरा आपको जो भी है पूरा गाइड कर देंगे। ओके, जैसे कि सर, जो अपने नए व्यूअर्स है जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको क्या रेंज में माल मिलता है, क्या क्वालिटी में माल मिलता है, अपने किस तरह के फैब्रिक यूज करते हैं, अपने किस तरह से काम करते हैं, अपना पेमेंट ऑप्शन अपने पास कैसे अवेलेबल रहता है, थोड़ा आपके कामकाज के बारे में अपने व्यूअर्स को समझाइए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो 100% क्वालिटी वाइज रहेगा,
हम लोकल प्रोडक्ट में हम डील नहीं करते हैं। और जो भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो बाय कुरियर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्ट से चाहिए तो ट्रांसपोर्ट से भी मिल जाएगा। पान इंडिया डिलीवरी है इसलिए कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं। और जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जो आर्टिकल आपने सिलेक्ट किया है, मैं बाद में भी बताऊंगा, हमारा हर एक प्रोडक्ट से आर्टिकल वाइज रहता है, और जो कलर सिलेक्ट किया है वही प्रॉपर आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट दिखाया और दिया है, 100% आपको जो भी प्रोडक्ट का जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है वही प्रोडक्ट मिलेगी। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो हमारे पास जीन्स की बात करूँ तो अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक है, उसमें हम क्वालिटी वाइज आपको स्टिचिंग मिलेगा, वॉशिंग मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा, फिनिशिंग भी आपको क्वालिटी में ही मिलना है। इन शॉर्ट के आप जो जुड़ते हो तो आप एक प्रॉपर ब्रांड से जुड़ते हो, तो जिसके हिसाब से हमारी जो भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इनकेज कोई प्रॉब्लम आता है तो एनी टाइम हमारे यहाँ आपको पीस रिप्लेस मिल जाता है। ओके, बाकी सर के पास सैंपल्स काफी सारे अवेलेबल है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सैंपल्स के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा ये डेनिम जींस की, तो जींस में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हैं कि उसका स्टिचिंग का लेवल, वॉशिंग का लेवल, जो कुछ ना कुछ हम क्रिएटिविटी ज्यादा डालते हैं, तो वो भी आपको एक दिखाएंगे। ओके सर, इसमें अपने पास साइजेस क्या अवेलेबल रहती है? साइजेस की मैं बात करूँ तो 28 से 34, 30 से 36, ओके, दो टाइप का रेशियो आपको मिल जाएगा जिसके हिसाब से आपका डेड स्टॉक मिनिमम होगा। अच्छा सर, ये क्या वॉशिंग है, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा विस्कर किया हुआ है, वैसे ये रो वॉश पर है। ओके, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, जो जो हमारा डिटेलिंग में दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो ये काम किया हुआ है, ये बारीकाई से आप दिखाएंगे ना तो इसका क्या काम किया है, क्या किस लेवल का काम किया है। एम्ब्रॉयडरी है, फ्लोरोसेंट टचअप दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं माइनर फ्लोरोस, उसका बैक साइड हो या फ्रंट साइड हो, हर एक में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालते हैं। ओके, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, कुछ ना कुछ टचअप रहेगा अपने जींस में। ये देखिए 100% सल्फर बेज पर है, स्लब है, फैब्रिक में स्लब है, आपको दिखाएंगे ना तो आपको व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा ये स्लब है ना ये। यस, ये जो हेवी वाला फैब्रिक रहता है 100% कॉटन बेज पर है। यस यस यस, ये दिखाइए पूरा, इसमें थोड़ा रो वॉश का टचअप दिया हुआ है। ओके, मींस के आप देख सकते हैं 100% ये कॉटन बेज पर है। अच्छा सर, एक पीस अपना सीधा करके दिखाएं अपने व्यूअर्स को, एक आईडिया आ जाएगा। सर ये अपनी कौन सी साइज रहती है? ये साइज इसे 30 साइज, आप हमारा जो टैग है 30 की साइज है। अच्छा, मतलब ये 30 की साइज इस तरह की एकदम प्रॉपर साइज रहने वाली है, आपको जो आएगी तो 100% प्रॉपर आएगी, आप मेजर भी लगा सकते हैं एनी टाइम, और आपको जो भी फर्मा इसका रहेगा वो भी प्रॉपर रहेगा, इसकी कितनी जो लेंथ है वो भी प्रॉपर मेंशन होगी, उसकी साइज भी प्रॉपर मेंशन होगी, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे टैग में मेंशन नहीं किया है। अच्छा, और एक जो भी उसका इवन के उसका कलर कोड है वो भी हम मेंशन। सर अपने पास लेंथ में क्या वेरिएशन रहता है, अपने पास क्या क्या लेंथ अवेलेबल? लेंथ में एंकल की मैं बात करूँ तो एंकल में 39 बना दे। ओके, उसके अलावा रेगुलर में 40-41 वहां तक की हमारी इसमें लेंथ रहती है, और लेंथ भी मोस्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ओके, तो इसलिए आपको जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वही प्रोडक्ट आपको मिलेगी। अच्छा, ये वॉशिंग काफी अच्छा लग रहा है ना, ये स्क्रीनिंग की अपने गारंटी देता है? 100% गारंटी रहेगी ये स्क्रीनिंग की, उसका बैक साइड भी दिखाओ। ओके, ज्यादातर ये जो पॉकेटिंग पे कुछ ना कुछ डिजाइन की गई है, कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें दिखाया गया है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है तो पहन के भी सपोज आप निकलते हैं ना तो कोई ना कोई आपको पूछेगा सही कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये 100% कॉटन बेज पर है, दिखाइए। ओके, वेरी नाइस, ये माइनर सा डैमेज दिया हुआ है, बहुत ओवर फंकी नहीं है, ये जो अपने यंगस्टर्स में जो ब्रांड टेस्ट बोलते हैं वो है। यस, काफी अच्छा लग रहा है ये वाला पीस। जैसे कि सर आपने टोटल आपकी चार ब्रांचेस बोली, एक तो अहमदाबाद, एक दिल्ली, बिलासपुर एंड पुणे, तो चारों ब्रांच पे सेम रेट पे ये माल मिलेगा आपको? यहाँ पे जो रेट से मिलेगा वही सेम रेट से आपको और तीन ब्रांच से मिलने वाला है, इसलिए वो भी दिक्कत नहीं है। आप कभी भी नियर बाय दिल्ली है या यूपी से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से है, या कोई नेपाल के भी हमारे काफी कस्टमर है, हरियाणा है, पंजाब है, कुछ राजस्थान का एरिया, तो वही से भी आप डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नजदीक पड़ता है तो अहमदाबाद आओ, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आपको पुणे और बिलासपुर से भी मिल जाएगा, सेम रेट में मिलने वाला है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ओके, मतलब अगर यहाँ पर जो रेट है वही का वही रेट वो वाली ब्रांच पे मिलेगा, सेम क्वालिटी रहेगी, सेम रेट रहेगा और सेम सर्विस रहेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगा तो वही से भी रिप्लेसमेंट होगा, यही से भी होगा, इसलिए वो भी आपको दिक्कत नहीं है। ओके सर, अपना जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है वो क्या रहता है? हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप सब पीस मिला के, सब प्रोडक्ट मिला के, सॉरी,
कि जींस हो चाहे कॉटन ट्राउजर शर्ट और टी शर्ट 50 पीस की मिनिमम क्वांटिटी रहेगी, सेट वाइज रहेगी, सिंगल पीस नहीं मिलता है। ओके, मिनिमम 50 पीसेस का ऑर्डर रहेगा या सब मिला के? ओके, अरे आप 10-10 भी कोई दो दो सेट भी डाल देंगे ना, मीन्स के जींस शर्ट टेस्टिंग के तौर पर भी आप दो दो सेट डाल देंगे तो भी आपका एक कम्प्लीट हो जाएगा, एक 50 पीस का पार्सल इजीली बन जाएगा। अगर सर अपने पीस में कोई डैमेज डिफेक्ट आता है या कुछ ऑल्टर माइनर आता है या कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अपने पास क्या पॉलिसी है? 100% रिप्लेसमेंट। ओके, आपको मालूम है हम जब 2-2.5 साल हो गए तो जो भी कस्टमर हमारे साथ मोस्टली मीन्स के जो हम मोस्टली हम जो पॉलिसी स्टार्ट की तो आज तक जो रेगुलर कस्टमर है उसको मालूम ही है कि आप कभी भी कॉल करेंगे तो सुबह में 10 बजे के बाद आपको कॉल बैक आ जाएगा। 100% रिप्लेसमेंट की गारंटी के हिसाब से हमारे पर लोग ट्रस्ट करते हैं। बाय चांस कि चलो हम इसमें बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और बाय चांस भी कोई प्रॉब्लम आया, फिर भी हमारा जो रिप्लेसमेंट है पॉलिसी वो भी चालू ही है। Okay. कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले की पॉलिसी है वो चालू ही है। Okay, पीस पे कोई डैमेज डिफेक्ट आता है तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी अवेलेबल है जी। आप देखा ये जो हमने रो वॉश का एक कॉन्सेप्ट बनाया है, आप Okay. दिखा सकते हैं, पूरा ब्रांड टेस्ट लगता है। Okay. इस टाइप का काफी जो है वो इस टाइप का एक देखो, ये रो वॉश में काफी चलता है ना मार्केट में। यस वेरी नाइस, ये काफी अच्छा, ये बेल्ट पे अच्छा कॉन्सेप्ट दिया ये वाला, ये बेल्ट का पूरा एम्बोज का कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये सबकी स्क्रीनिंग और ये सबकी गारंटी रहती है ना? 100% गारंटी रहेगी। अच्छा, जैसे कि आपने इसमें क्या साइज बोली सर जीन्स में आपने? 30 साइज है। ओके, और साइज रेशियो रहेगा 28-34, 30-36, तो वो कंपलसरी रहता है। यस, साइज वाइज रहता है। ओके, और अगर ये आर्टिकल में अपने पास अगर 2-3 कलर है तो अपने व्यूअर्स को कितने कलर लेने पड़ते हैं? पिक एंड चूज कलर चार्ट है, कलर में आपको 5 कलर है तो एक कलर ले लीजिए तो Okay. कोई दिक्कत नहीं है। आपको कलर चार्ट पिक एंड चूज रहेगा, सिर्फ साइज है, साइज रेशियो 4 का है, वो एक कंपलसरी। ओके, साइज कंपलसरी है, कलर ऑप्शन अवेलेबल है। समर के हिसाब से इस टाइप का पूरा लाइट चार्ट भी हमने बनाया है ना, ये बनवाया है। Very nice. और पूरी डिटेलिंग में सब जगह फायरऑक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पर ये बर्थडे ये रिबेट्स में सब जगह फायरऑक्स की ब्रांडिंग रहने ही वाली है। और ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक में अभी मेरे पास 3-4 टाइप के अलग अलग ब्लैक है। मतलब क्या फैब्रिक रहता है, मतलब सेम ब्लैक रहता है? कैसे रहता है? अलग अलग थोड़ा फैब्रिक में भी डिफरेंट होता है, उसकी पैटर्निंग वो है तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, एक बेजिक टोन है, आप दिखा सकते हैं, एकदम बेजिक है जी। इसमें थोड़ा हमने व्हाइट कलर का इस टाइप का है, थोड़ा फैंसी मीन्स के माइनर फैंसी दिया हुआ है। ओके, दिखा सकते हैं, वैसे है बेजिक। यस, इसमें थोड़ा इससे ज्यादा हमने क्रिएटिविटी की है। ओके, यहाँ पे बेल्ट में थोड़ा फ्लोरोसेंट टचअप का ये धागा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, और इसकी बात करूँ बैक साइड में भी माइनर जो भी कॉन्सेप्ट दिया होता है। ओके, और बाकी इसमें थोड़ा एक मतलब ब्लैक ब्लैक में अपने पास 3-4 अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल रहती है। आप पिक एंड चूज कोई भी कलर, आप कोई भी आपको चाहिए तो मिल सकता है। ओके, आरएफडी की बात करूँ तो ये दिखाइए, डिफरेंट कलर भी इस टाइप के कलर आपको मिलने वाले। ये आरएफडी है? यस, या आरएफडी मतलब उसमें कलर वॉशिंग का काम बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। 100% आपको गारंटी मिलेगी, तो आफ्टर वॉश कुछ दिक्कत नहीं आएगी ना आरएफडी में? नो नो, कोई इश्यू नहीं। ओके, वेरी नाइस, मतलब काफी वैरायटी। सर आपके जो पीछे है वो क्या चीज़ है? थोड़ा ये हमारा ये जो कार्गो है आप देख सकते हैं, नजदीक से दिखाएंगे तो पूरा 100% कॉटन लाफर बेज पर है। Okay. इसके फैब्रिक जो रहेगा वो 100% कॉटन प्लस हेवी फैब्रिक रहने वाला है। Okay. इसमें भी आपको देख सकते हैं इस टाइप का पूरा कलर चार्ट हमारे कैटलॉग से आपको मिल जाएगा। और इसमें भी कलर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, कलर ऑप्शन पिक एंड चूज है। ओके, जो क्वालिटी मिलेगी स्टिचिंग की क्वालिटी या उसका जो भी फिनिशिंग रहेगा वो आपको एकदम लाजवाब मिलने वाला है। ओके, उसके अलावा मैं बात करूं तो बिग साइज मींस के 38 से लेके 44। ओके, ये जो पीस है आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने पूरा बेजिक टोन पर हमने ये 38 की साइज है, ये 38 की साइज है यानी 38, तो 38 40 42 और 44 तो इस टाइप का भी साइज रेशियो हमारे पास कुछ आर्टिकल रहते हैं जी। कि हमने स्पेशल और इसमें जो रहेगा बिग साइज उसमें एकदम बेजिक रहेगा, क्योंकि जो इस टाइप के एज के पर्सन है वो काफी क्या है कि बेजिक पहनना पसंद करते हैं। Yes. इसका भी आप दिखा दीजिए, वैसे बेजिक है लेकिन उसका जो एक आपको क्वालिटी मिलने वाली है वो तो सेम ही मिलने वाली है, उसका फैब्रिक हो चाहे उसका फिनिशिंग। ओके, दिखाइए एकदम प्रॉपर रहेगा ना इसमें भी। इसमें अपने पास साइज के बोले 38 to 44 तो कुछ आर्टिकल बिग साइज करके भी हमारे कैटलॉग में है। Okay. तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, मिल जाएगी। Nice. इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफी जो व्यूअर्स है बिग साइज ढूंढते होते कि भाई बिग साइज कहीं पे नहीं मिलती है, मिलती Yes. है तो कोई प्रॉपर फैब्रिक में नहीं होता है, ज्यादातर लोग उस टाइप का सिल्की में बनाते हैं, लेकिन हम जो है ये पूरा नीटेड बेज पर हमने इस टाइप की ये जो साइजेस बनवाई। ओके,
मतलब बिग साइज में अपने पास काफी अच्छी वेराइटीज इसमें मेंटेन करके रखी है अपन ने। ओके ये थोड़ा आपने कार्गो का बता दिया, जींस का बता दिया, एक जो आपका मेन है वो कॉटन ट्राउजर्स, थोड़ा उन कॉटन ट्राउजर्स के बारे में भी बता दीजिए। कॉटन ट्राउजर्स की बात करूं तो इसमें भी अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी ऐसा कलर नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके इसमें आपको राउंड पॉकेट में भी मिल जाएगा और क्रॉस पॉकेट में भी मिल जाएगा। ओके जो है तो और साइज रेशियो सेम रहने वाला है 28 से 34, 30 से 36, इसलिए आपका जो डेड स्टॉक है वो एकदम कम हो जाएगा। ओके थोड़ा अपने व्यूअर्स को कलर बताना ताकि एक आइडिया आ जाए और थोड़ा फैब्रिक का नॉलेज भी दे दीजिए। आपको दिखा था वो देखो, हर एक कलर चार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके सपोज ये है ओलिव है, उसके अलावा ये ग्रीन टोन पर है। अपने इसमें फैब्रिक क्या क्या यूज करते हैं सर कॉटन में? फैब्रिक में हमारे पास साटिन भी है, ट्विल भी है, ओके बाद में चाइना बॉन्ड भी है, तो अलग अलग काफी इस टाइप के जो अलग अलग मोस्टली जो आप देख सकते हैं ये पूरा क्रीम टोन पर है। यस yes. और इसमें अपने पास 28 से 34 और फिर 30 से 36 इसमें भी सेम रेशियो रहता है। यस yes, सेम रेशियो आपको मिलने वाला है। थोड़ा एक आध पीस का डिटेलिंग समझा देंगे सर अपने व्यूअर्स को कि अपने किस तरह से रहता है इसमें। आपको ये कलर चार्ट एक दिखा रहा हूँ जिसके हिसाब से क्या है कि आपको एक समझ में। देखो ये पूरा ये डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो आपको इनसाइड से भी पूरा पाइपिंग वाला काम मिलने वाला है। ओके मीन्स की हम लोकल तो बनाते ही नहीं, ओनली फॉर ब्रांड टेस्ट पर ही हम काम करते हैं। yes. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा जो उसका बटनिंग से लेके पूरा जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है। ओके ज्यादातर डिटेलिंग पे फोकस करते हैं ना। हाँ डिटेलिंग, लेकिन वो माइनर डिटेलिंग होती है, वरना क्या होता है कस्टमर को ऐसा लगता है भाई ये तो ओवर कर दिया, लेकिन ओवर भी नहीं बनाते। आप दिखाइए ये जो पीस है एकदम लाजवाब पीस। यस यस यस, इसमें लेंथ क्या रहती है अपने पास कॉटन में? 42 एक ही लेंथ रहती है। यस 42 लेंथ रहती है क्योंकि एक ट्राउजर्स है तो क्या है कि उसकी लेंथ होनी चाहिए। ओके और इसमें भी आपको दिखा सकते हैं जो डिटेलिंग की मैं बात करूं तो माइनर डिटेलिंग रहती है। देखो यस यस यस, तो ओवर नहीं करते जो जो ब्रांड कॉन्सेप्ट पे सही लगता है वो चीज यहाँ पर होती है। जो मींस के ब्रांड पे आपको यहाँ पे, और मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ पे लाइनिंग में भी काफी कलेक्शन है। ओके एक आध पीस निकाल के दिखाया ना सर, लाइनिंग वाला लाइनिंग भी काफी अभी ट्रेंड में चल रहा है। ओके मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट भी अपने पास अवेलेबल है ना। ये दिखाइए सुपर्ब लग रहा है, ये कुछ डिफरेंट है ये। हाँ अभी क्या है कि यंगस्टर की चॉइस रहती है कि जो शर्ट है वो भी थोड़ा वो स्ट्राइप खड़ी स्ट्राइप होती है और उसके साथ ये मैच करते हैं। ओके कुछ डिफरेंट लगता है ना ये। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने पूरा कुछ में प्लास्टिक प्रिंट जैसा हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्लास्टिक प्रिंट है, कुछ डिफरेंट है ना ये। ये दिखाइए मतलब ये रेगुलरली अवेलेबल नहीं रहेगा मार्केट में। काफी आप देख सकते हो काफी हमारे पास कलर का भी कलेक्शन इतना बड़ा है, मतलब इसमें ऐसा है कि क्या बताए क्या ना बताए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखाओ ये कलर का आप जो बोल रहे हैं ना। यस यस यस, और एक से एक आपको कोई भी ऐसा कलर नहीं है कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। yes. 100% आप देख सकते हैं इसमें भी माइनर जहाँ पे जितनी जरूर है क्रिएटिविटी की वो डालते हैं। ये दिखाइए प्योर ब्लैक, जेड ब्लैक। यस सुपर, मतलब आपके मतलब फायरॉक्स का तो मतलब नाम से बिकता है बॉटम्स, उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने व्यूअर्स को। ये सब कलर जो भी है वो पूरा मार्केट में ट्रेंडी कलर चल रहा है। ओके उसके अलावा इस टाइप की थोड़ा माइनर प्रिंट का भी कॉन्सेप्ट चाहिए। ये तो मतलब फैब्रिक में ये प्रिंट रहती है? यस फैब्रिक का, ये जैकार्ड फैब्रिक है। ओके जैकार्ड में क्या होता है कि उसके अंदर ही क्या है कि पूरा जो यान है तो उसके अंदर ही डिजाइनिंग बन जाती है। ओके इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। वेरी नाइस, क्योंकि ये अब मैरिज सीजन अभी आने वाली है तो मैरिज सीजन में इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स है वो काफी चलती है। और ये जो पूरा का पूरा कलर चार्ट पीछे दिख रहा है ना वो सब चलेगा। कलर चार्ट ये दिख रहा है पूरा अभी हाजिर स्टॉक में ही रहता है, कोई ऐसा कोई फॉरवर्ड सैंपल नहीं दिखाते। ओके दिखाइए ये पूरा रेडी स्टॉक रहेगा। हाँ रेडी स्टॉक रहेगा, आपको यहाँ पे जो क्रॉस पॉकेट भी मिल जाएगा, राउंड पॉकेट भी मिल जाएगा। ओके इस टाइप की काफी वेराइटीज आप एक बार विजिट करेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आप पूरा घुमा दीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि विजिट करेंगे तो कितना जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे लाइव मिल जाएगा देखने। ओके एक थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल देते तो यहाँ पर से कार्गो की वेराइटी शुरू होती है, यहाँ पर इतने सैंपल सिर्फ कॉटन के अवेलेबल है, इसमें भी अलग अलग फैब्रिक्स मिल जाते हैं, ये पूरे के पूरे कलर चार्ट अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो बिग साइज जीन्स है वो रखे हुए हैं, और शर्ट्स की तो वैरायटीज की क्या बात करें, मोर देन 500 सैंपल्स टू 1000 सैंपल्स रहते हैं, प्लस जीन्स का ये कलेक्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाता है, मतलब पूरी की पूरी ऑफिस में पूरा का पूरा शर्ट्स का कलेक्शन अवेलेबल है। इसके अलावा भी पीछे की साइड भी शर्ट्स का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। बाकी सर
और कुछ वेराइटीज अपने व्यूअर्स को दिखा दीजिए आप। बाकी आप देख सकते हैं रूबरू आए, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार रूबरू विजिट करो, तो विजिट करेंगे तो 100% यहाँ से आपको जो भी पिक एंड चूज जो भी है हाँ। वो आपको देखना। बाकी आप कैटलॉग से भी सेम जो फोटोशूट होता है तो उसमें आपको सेम डिटेलिंग के साथ आर्टिकल नंबर के साथ रेट के साथ आपको हर एक प्रोडक्ट यही से मिल जाएगी। ओके okay, बाकी सर जो अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है वो 50 पीसेस का रहता है। yes. शर्ट्स, जीन्स, कॉटन ट्राउजर्स, कार्गो एंड टी शर्ट सब मिला के 50 पीस ले सकते हैं। yes. और एक समझो ना, अगर कोई टेस्ट के हिसाब से भी मंगवाता है या साइज चेक करने के हिसाब से भी मंगवाता है तो 50 पीस तो आराम से हो जाएंगे। कॉटन ट्राउजर एंड जीन्स पे अपने पास साइज रहती है 28-34 एंड 30-36। कलर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, अगर 5 कलर है तो 5 में से अगर किसी को एक कलर चाहिए तो मिल जाएगा। बट साइज कंपलसरी रहता है। पीस में कोई डैमेज डिफेक्ट आता है या कुछ अल्टर माइनर आता है तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की अपने गारंटी देते हैं। सर मेनली दो क्वेश्चन आपसे एंड में पूछने हैं कि अगर कोई व्यूअर्स जो आउट ऑफ इंडिया से अपने को देख रहे या सऊदी से देख रहे या कोई गल्फ कंट्री है, दुबई है, कतार है या यूएस है, यूके है, कोई ऐसी फॉरेन कंट्रीज से देख रहे हैं, अगर वहां बैठे बैठे अगर उनको ऑर्डर करना है तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें ट्रस्ट का क्या इशू जो प्रॉब्लम रहता है वो कैसे सॉल्व होगा, और वो चीज के बारे में अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। और सेकेंडली कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या अभी करने वाले हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं मींस के क्लोथिंग पर्टिकुलर, तो मैं एक बार ऐसा बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता मेरे से ही सब लोग, लेकिन एक बार विजिट करो, एक जगह नहीं 10 जगह विजिट करनी चाहिए। विजिट करने से आपको कंपेरिजन समझ में आएगी क्या प्रोडक्ट मिलती है, कौन सा रेट है, किस टाइप का आपका सेगमेंट कौन टाइप का है। तो एक बार मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी कस्टमर है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ही ले, लेकिन एक बार विजिट करेंगे तो 100% उसको कुछ ना कुछ समझ में आए। सपोज मेरे में कोई, सबको ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको मेरा जीन्स समझ में आए, किसी को हमारा शर्ट भी समझ में आता है, किसी को जीन्स समझ में आता है, लेकिन एक बार विजिट करेंगे तो लाइव कौन सी प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी, कौन सा वॉशिंग, क्या स्टिचिंग, तो वो सब समझ में आता है। बात करते हैं भाई कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो एक बार रूबरू विजिट करने से आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि सब क्वालिटी भी समझ में आएगी। दूसरी बात कि कोई जो आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं तो उसकी भी प्रोसेस हमारे पास है, आपको वहीं से बैठ के भी ऑर्डर डालना है तो हम भी पूरा यहीं से पूरी प्रोसेस करवा देंगे फॉरवर्डिंग की। और कोई भी मीन्स के सऊदी वहीं से भी है तो काफी जो भी यहाँ पे मीन्स के एजेंट से भी वो काम पूरा हम फुलफिल करवा देते हैं। मतलब अपने व्यूअर्स को टेंशन नहीं लेना है, वो बाहर बैठे बैठे भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके जो भी एक बार रूबरू भी मीन्स के बात भी कर लेते हैं, थोड़ा आप कन्वर्जेशन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, थोड़ी प्रोडक्ट भी आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। बाकी तो काफी प्रोडक्ट अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, अभी जो हमने कवर किया है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ बॉटम वेयर किया है, और वो भी कुछ आर्टिकल। yes. और जो भी हम मीन्स के नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं वो टॉप वेयर करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं पूरा इसका एक थोड़ा हाईलाइट दिखाएंगे जी। कि किस टाइप का जो भी कलेक्शन हम इसमें बना रहे हैं। ओके, शर्ट्स में इस तरह का कलेक्शन अपने पास अवेलेबल रहता है ना, बाकी इस टाइप का। तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि okay. इसमें भी काफी वैरायटी है, एक वीडियो में थोड़ा मुश्किल है। ओके okay, बाकी सर इतने जबरदस्त वैरायटीज कवर करने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसी वैरायटीज लाते रहे सर, थैंक यू।